देखिए, प्रीलिम्स एक काफ़ी क्रूशल स्टेज होती है, ऑल दो इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बट द पॉइंट इज कि प्रीलिम्स में ही आपके 99% लोग आउट हो जाते और हैं। ये इजीली हो सकता है आपके बेसिक बुक्स के थ्रू, इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट के लिए शंकर, इकोनॉमी के लिए शेराम। पहले कभी आपको ये सुनने में नहीं आता था कि किसी का सी सर्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बट इफ़ यू लुक एट प्रीवियस 2 ईयर्स, काफ़ी लोग हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो IITs से हैं, उनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सी सर्ट। काम करिए कि हमेशा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, लाइक 2019 का डिफिकल्ट था, 20 का डिफिकल्ट था, एक भी पेपर लीजिए। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 100 या 110, देन आप सेफ हैं। मान लीजिए June 5 को अभी है प्रीलिम्स, आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम में आपके बेसिक सोर्सेज को अगर आप 4 to 5 times रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद कितना टाइम बच रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए वही है कि जब भी आप किसी बुक को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आप उसको थॉरोली रीड करिए, बट फ्रॉम द सेकंड टाइम ट्राई टू यूज एक्टिव रीड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UPSC CSE 2022 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हमारे साथ है गौरव सर, जिनका पिछली बार UPSC IFS 2020 में 41 रैंक के साथ चयन हुआ था। तो आज हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे। हेलो सर। हाँ हेलो गोपाल। देखिए, प्रीलिम्स एक काफ़ी क्रूशल स्टेज होती है, ऑल दो इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बट द पॉइंट इज कि प्रीलिम्स में ही आपके 99% लोग आउट हो जाते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करिए। प्रीलिम्स में जनरली लोगों को लगता है, या तो दो टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा कम सीरियसली लेते हैं, या दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा सीरियसली होते हैं। सो यू नीड टू टेक अ मिडिल पाथ, आपको सीरियस होना है एंड थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को करना है। सो नंबर वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट रिगार्डिंग प्रीलिम्स इज कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड। नंबर टू इज़ कि कभी भी किसी भी इजी क्वेश्चन को गलत मत करिए प्रीलिम्स में, इफ़ यू कैन इंश्योर दैट आपके 90-95 मार्क्स उसी से हो जाते हैं, और ये इजीली हो सकता है आपके बेसिक बुक्स के थ्रू, इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट के लिए शंकर, इकोनॉमी के लिए शेराम या रमेश सिंह, एंड ज्योग्राफी के लिए NCERT, प्लस एक बेसिक करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। अगर आप इजी क्वेश्चंस भी सही कर देते हैं तो बिलीव मी आपके अराउंड 90-95 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेपलैडर ऐप के UPSC ट्रेजर्स के बारे में। ट्रेजर्स आपकी लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तैयारी के लास्ट दिनों में रिविजन के परस्पेक्टिव से ये ट्रेजर्स बहुत ही शानदार है और आपकी तैयारी को बहुत ही इजी बना देगा। दोस्तों, ट्रेजर्स के कुछ खास फीचर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, UPSC तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टॉपिक और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना, तो आप प्रेपलैडर ऐप से रिकॉल कर सकते हैं, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई आप हर चैप्टर या टॉपिक को ट्रेजर्स से एक्सेस कर सकते हैं प्रेपलैडर ऐप से। सेकेंड नंबर, ट्रेजर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अपनी तैयारी की ज़रूरत के अनुसार ट्रेजर्स का बुकमार्क कर सकते हैं। थर्ड नंबर, UPSC एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप बुक या नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो आप में ट्रेजर्स में एक समरी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, कितना शानदार फीचर्स हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और प्रेपलैडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, न्यू स्टूडेंट है तो रजिस्टर करने के बाद आप हमारा कोड SCU इस्तेमाल करना ना भूलें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको UPSC से रिलेटेड सारा मटेरियल्स मिल जाएगा और आप एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्रीम टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, जो आपके डेफिनेटली सही होंगे। प्लस उसके बाद आपको यूज़ करना है इंटेलिजेंट गैसिंग। व्हाट इज़ इंटेलिजेंट गैसिंग? इंटेलिजेंट गैसिंग इज़ नथिंग, इट इज़ द इंट्यूशन जो आप डेवलप करते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू प्रीवियस UPSC क्वेश्चन पेपर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट के 1 month में किसी भी टेस्ट सीरीज से प्लीज़ दूर रहिए। सिर्फ UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस आपको करना है, तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि UPSC किस ऑप्शंस को मार्क करता है एंड किस ऑप्शन को एलिमिनेट। तो इसके थ्रू ही आपके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, एंड जो 5 to 6 क्वेश्चन आपको अराउंड 12 to 15 मार्क्स देंगे। सो बेसिकली इजी क्वेश्चन सही करके यू विल गेट 90 to 95 मार्क्स प्लस 12 to 15 थ्रू इंटेलिजेंट गैसिंग।
उसके बाद अगर आपका लक चलता है तो आपके और भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको हमेशा इंश्योर ही करना है, एंड इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रीलिम्स क्लियर करने की। ओके सर, बात करें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड की, इसमें जीएस सेकंड यानी सीसेट की, तो इनमें सर कितने क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं कट ऑफ में आ जाए और आखिर क्वालिफाइंग पेपर को क्लियर कर सके? बिल्कुल, तो जैसा गोपाल आप देख रहे हैं अभी जो पैटर्न आ रहा है सीसेट का, अराउंड 2018 या 19 से सीसेट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। पहले कभी आपको ये सुनने में नहीं आता था कि किसी का सीसेट क्लियर नहीं हो रहा है, बट इफ़ यू लुक एट प्रीवियस टू इयर्स काफ़ी लोग हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो आईआईटीज से हैं, उनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सीसेट। तो सीसेट को कभी भी आप लाइटली मत लीजिए, आप एक काम करिए कि हमेशा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, लाइक 2019 का डिफिकल्ट था, 20 का डिफिकल्ट था, एक भी पेपर लीजिए। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 100 या 110 देन आप सेफ हैं, बट अगर आपके उससे कम है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सीसेट। तो सीसेट में जो आपको एक जनरल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है विच इज सिमिलर फॉर ऑल द एप्टीट्यूड एग्जाम्स, जैसे कैट में भी आई हैड स्कोर 99.9 एंड सीसेट में भी जनरली मेरे ठीक मार्क्स ही रहते थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को वो देखिए कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जस्ट लीव देम, उसकी जगह फोकस करिए कि जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप सही कर लीजिए, एंड सीसेट में इसी के थ्रू आप 100-110 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। एंड वो कैसे होगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि ये इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। नंबर टू इज कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश पे फोकस करिए, रीजनिंग में अच्छे हैं तो रीजनिंग पे करिए, क्वांट में अच्छे हैं तो क्वांट पर करिए, क्योंकि 66 या 70 मार्क्स स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप एग्जाम में नर्वस होते हैं या एग्जाम में आप गलत क्वेश्चन कर लेते हैं देन ये आपके साथ गलत भी हो सकता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन डूइंग दीज थिंग्स एंड सीसेट आपका डेफिनेटली इससे क्लियर हो ही जाएगा। ओके सर, जो एस्पिरेंट 22 इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनको आप किन किन बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप अभी से थोड़ा रिवर्स टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि मान लीजिए जून 5 को अभी है प्रीलिम्स, आपके पास कितना टाइम है, और उस टाइम में आपके बेसिक सोर्सेज को अगर आप 4-5 टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, तो उससे एक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे हर सोर्स के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि अब जब तक ये फिनिश करेंगे तब तक ही आपका टाइम हो जाएगा। तो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, एंड उनको आप बार बार रिवाइज करिए। सेकेंड, एक चीज़ जो है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट स्कोर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, उनका काइंड ऑफ ये टास्क है कि क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाए, बट अल्टीमेटली इन केस ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट रहते नहीं हैं, एक वो फिक्स पैटर्न रहता है, तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही बेस बनाइए। टेस्ट में आपके कितने ही मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर इतना फोकस मत करिए। एंड थर्ड इज़ कि थोड़ा इन्जॉय करिए अपने स्टडीज़ को, क्योंकि नहीं तो काफ़ी बोरिंग हो सकता है कई बार यूपीएससी। स्टडी को इन्जॉय करिए, ट्राई टू यूज़ वेरियस मेमोरी मेथड या निमोनिक जिससे आपकी थोड़ी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सके। ओके सर, बात करें कि आपने तैयारी की थी उस टाइम कितने मॉक टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग? तो गोपाल, मैं अपने दो अटेम्प्ट्स को कंपेयर करूंगा। लाइक फर्स्ट जो मैंने 2019 में दिया उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो भी ऑल इंडिया टेस्ट थे उसमें मेरी रैंक भी अंडर 10 अंडर 20 रहती थी हमेशा, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें क्लियर नहीं हो पाया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसके लिए मॉक टेस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, बट डेफिनेटली ऐसा कोई कोरिलेशन है नहीं कि अगर आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका क्लियर भी होगा। ऑन अदर हैंड, जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया तो मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स को फॉलो करा है, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करा है। लाइक इन 15 लास्ट 20 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 एवरी 2 or 3 डे फ्रॉम 9 to 12 आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उससे क्या बेनिफिट था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे माइंड को सबकॉन्शियसली ये आइडिया लग जाता था कि यूपीएससी इसमें क्या मार्क करेगा। सो उसके वजह से अराउंड मेरे 3-4 क्वेश्चंस या इनफैक्ट 5-6 क्वेश्चंस एडिशनल सही हुए, जिससे मेरा सीएसई ही नहीं फॉरेस्ट का भी कट ऑफ इसलिए क्लियर हो पाया। सर, बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक लिस्ट तो आपने बता दी थी, लेकिन इसमें इफेक्टिव किस प्रकार स्ट्रेटजी बनाएं? देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेटजी के लिए वही है कि जब भी आप किसी बुक को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आप उसको थॉरोली रीड करिए, बट फ्रॉम द सेकंड टाइम ट्राई टू यूज़ एक्टिव रिकॉल। लाइक आप खुद ही कोशिश करिए रिकॉल करने की कि इसमें अब क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, एंड जो भी आपको फैक्ट्स आप बार बार भूल रहे हैं उसको आप एक जगह नोट करते जाइए। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही
कुछ सब हेडिंग या वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन ऑन अ सिंगल A4 शीट पेपर, या मैं ऑनलाइन प्रेफर करता था तो मैं उसमें नोट करता जाता था, और ये आपके पर्सनल नोट्स होंगे, इसमें वो चीज़ें आएंगी जो आप बार बार भूल रहे हैं। तो यही आप लक्ष्मीकांत के लिए करिए, यही आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम के लिए करिए, ज्योग्राफी के लिए करिए, एंड फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। तो ये जब आपके वीकनेसेस पे आप फोकस करते हैं, एक्टिव रिकॉल, डिलिबरेट प्रैक्टिस, तो इसके थ्रू आपको अल्टीमेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी UPSC प्रीलिम्स के पेपर में, और वहाँ पे आपके एडिशनल क्वेश्चन सही हो पाएंगे। सर, जैसा कि प्रिपरेशन करते वक्त स्टूडेंट्स को लगता है कि पहले मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो सर उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, UPSC में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कुछ टाइम होता है जब आपको मेंस ही करना होता है, कुछ टाइम होता है जब आपको प्रीलिम्स ही करना होता है। तो अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स तो देने ही होते हैं, इनफैक्ट अगर आप फ्रेशर हैं सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 3 या 4 मंथ्स जब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की प्रेप करेंगे, उसमें आप मेंस को देखिए भी नहीं, बट उससे पहले एटलीस्ट अगर आपके जो 2 ऑप्शनल हैं तो उन ऑप्शनल को आप एटलीस्ट 60-70% करने की कोशिश करिए, एंड ये करेक्ट टाइम रहता है अराउंड अक्टूबर नवंबर से लेकर अराउंड फेब तक। तो इसमें आप ऑप्शनल करने की कोशिश करिए, देन प्रीलिम्स करिए, एंड ऑब्वियसली प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप फिर से मेंस पे फोकस करिए। ओके सर, लास्ट में आप व्यक्तिगत राय देना चाहते हो सर, दे सकते हैं? व्यक्तिगत राय तो मेरी वही है कि प्रीलिम्स में कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेटेजाइज मत करिए, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, वो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। किसी भी टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर इतना डिपेंड मत करिए उस पर, एंड हो सकता है सब आप सही करेंगे उसके बाद भी आपका प्रीलिम्स क्लियर ना हो, एक एलिमेंट ऑफ लक हमेशा रहेगा, तो उससे आप खुद को मत जज करिए, टेक इट एज अ गेम, हो सकता है आपका नहीं क्लियर हो, सेकेंड अटैम्प्ट अच्छे से करिए तो आपका अल्टीमेटली क्लियर हो ही जाएगा, बट हमेशा एक एलिमेंट ऑफ लक है जिसको एक्सेप्ट करिए एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। ओके सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑडियंस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।